हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारियों की कलम छोड़ो हड़ताल को 18 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते पंचायत स्तर पर विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहीं जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पंचायतों के विकास कार्यों पर पड़ रहे खासा प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया है, जिसको लेकर बिलासपुर जिला के घुमारवी व झंडूता उपमंडल के तहत जिला परिषद कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बीडीओ को पंचायत कार्यालयों की चाबी सौंप दी है। तो वहीं मंगलवार को बिलासपुर सदर व नैना देवी से संबंधित जिला परिषद कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बीडीओ को पंचायत कार्यालय की चाबियां सौंपने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष नागेंद्र चंदेल का कहना है कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारी प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, मगर सरकार विभाग में विलय की उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय प्रशासन के जरिए नोटिस दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए कैडर के अधिकारी व कर्मचारी विकासखंड अधिकारी को पंचायत कार्यालयों की चाबी सौंप रहे हैं, ताकि लोगों का काम प्रभावित न हो और उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जारी रह सके। आज हमें इस हड़ताल पर बैठे हुए 18वां दिन है। हम सरकार से आशा लगाए बैठे थे कि सरकार हमारी मांग के ऊपर जल्दी ही कुछ ना कुछ विचार करेगी और कोई उचित निर्णय लेगी, लेकिन इतने दिन बीतने के पश्चात भी सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि जो विभाग की तरफ से हमें कई प्रकार के जो नोटिस मिल रहे हैं कि आप काम पर लौटे, नहीं तो आपके खिलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं विभाग को भी बताना चाहता हूं कि आप जो भी कर लें, जो भी आपने कदम उठाने हैं आप उठाएं, हम तभी यहां से उठेंगे जब सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। हमने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है, मात्र हम लोग विभाग में विलय की बात करते हैं। जैसा कि विदित है कि सरकार जो है आपदा की बार बार बात कर रही है, तो मैं महोदय को बताना चाहता हूं कि सर हमने भी आपदा में 16.5 लाख रुपए आपदा राहत कोष में दिया, और सरकार हमें कहती है कि ये कर्मचारी हमारे नहीं हैं और इस वजह से जो है हमें जो वित्तीय लाभ और कर्मचारियों को मिल रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहे। महोदय, अगर हम कर्मचारी नहीं हैं तो जब आपदा राहत कोष में प्रदेश के जो कर्मचारी थे उनसे आपने एक दिन का वेतन काटा, हमारा भी वेतन काटा गया, लगभग 4700 कर्मचारियों का आपने वेतन काटा एक दिन का, तब नहीं ये देखा गया कि ये विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, और कुल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि आपदा राहत कोष में इस कैडर के माध्यम से सरकार के राहत कोष में गई है। तो इसका भी ध्यान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को रखना चाहिए। हम सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं और आगे भी साथ रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमारा जल्दी से जल्दी कोई उचित निर्णय लेगी। ये नोटिस के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमें अपना संपूर्ण जो कार्यभार पंचायतों का है वो सिलाई अध्यापकों को, जो अध्यापिकाएं हैं उनको, चौकीदारों को और जीआरएसों को दें। लेकिन हम जब कलम छोड़ो हड़ताल के ऊपर चले गए हैं तो हम इस कारण से अपनी पंचायत में नहीं जा सकते। तो आज हमने जो राज्य कार्यकारिणी के आदेशों अनुसार, तो सदर विकास खंड सदर में भी हमने ये एक निर्णय लिया कि हम सारी जो हमारी 49 पंचायतें हैं तो इनकी जो चाबियां हैं हमारे कार्यालयों की वो हम माननीय खंड विकास अधिकारी को आज सौंपने जा रहे हैं, ताकि वो जो पंचायतों में रुके कार्य हैं उनको किसी और से करवा सकें। मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो विभाग या सरकार ये कि आपदा का बार बार व्याख्यान कर रही है, तो सबसे ज़्यादा जो जिला परिषद के कर्मचारी हैं वही आपदा के वॉलंटियर हैं, क्योंकि जो सरकार की कोई भी नीति या आदेश होता है उसको ग्राउंड रूट पर के पर जिला परिषद के कर्मचारी ही इंप्लीमेंट करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुद हस्तक्षेप करके
इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कर सके।